वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम वर्ड पावर मेड इजी की समरी कर रहे हैं और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 4 to 5 जो सेशंस थे उनका कर लिया था। आज का जो ये हमारा वीडियो होगा इसमें हम लोग सेशन नंबर 6 को वीडियो 6 के जो भी वर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे। इस वीडियो को प्रस्तुत करता हूँ मैं अमन त्रिवेदी। मेरे बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, तो ये उसी का पार्ट 2 है। यानी कि इसमें हम लोग उसका जो अगला सेशन जो लास्ट सेशन था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस किताब में अलग अलग सेशंस दिए गए हैं, तो हम लोग आज सेशन 6 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट माई डिस्कशन, आप सभी जानते हैं मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर थ्रू MCQ 8:30 से 10 बजे तक का बैच है, दूसरा है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश वोकैबलरी फॉर SSC CGL 2019, तो ये 7 से 8 बजे तक का वोकैबलरी बैच है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश का जो बैच है 4 to 6 PM का, इन सभी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आप सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसको आपका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5400 का और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4320 का मिलता है। इसमें आप सारे टीचर से पढ़ पाएंगे, डाउट सेशंस ले पाएंगे, वीकली टेस्ट सीरीज देख सकते हैं और वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में और PDF डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरल कोड आप ना याद रखिएगा AMANT, जिसको इस्तेमाल करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मोर देन 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8299 8299 117042, जिस पर आपको मैं फर्दर डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। चलिए बात को शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो पहला रूट वर्ड हमारा है वो है ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिन किसी को भी हड्डी की कोई दिक्कत हुई होगी, बोन की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, वो हमेशा ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास गया होगा। कहते हैं ना ऑर्थो, और एक आपने ऐड देखा होगा डॉक्टर जावेद अख्तर का, ऐड करते हैं डॉक्टर ऑर्थो, तो उन्होंने डॉक्टर ऑर्थो उसका नाम क्यों रखा हुआ है उस ऑयल का। देखिए ऑर्थो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट और करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है आपका, स्ट्रेट और करेक्ट। ठीक, अब उसी से वर्ड बन जाता है जैसे आपका ऑर्थोपीडिस्ट। ठीक है, ऑर्थोपीडिस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑर्थोपीडिस्ट आपका, जैसे ऑर्थोपीडिस्ट का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटेंस चिल्ड्रेन। पीडिया का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, चिल्ड्रेन। IST मतलब एक्सपर्ट, ऑर्थो मतलब स्ट्रेटेन, तो ऑर्थोपीडिस्ट मतलब हो गया वन हु स्ट्रेटेंस चिल्ड्रेन। अब देखो इसको यहां से ये टर्म आया 1741 में, ये टर्म आया, उसके बाद इसको करेक्शन करते 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 उस वर्ड के मीनिंग बदलते भी जाते हैं। जैसे अब इसका मीनिंग फाइनल क्या हो गया, और डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द करेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटीज डिसऑर्डर्स और इंजरीज ऑफ द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। यानी कि बॉडी के स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र में कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, किसी का बोन कोई तिरछा हो गया, कोई करेक्शन चाहिए, कुछ भी आपके इस तरीके की समस्या होती है, तो ऑर्थोपेडिस्ट ही उसे ट्रीट करता है। तो एन ऑर्थोपेडिस्ट ट्रीटेड हर नी इंजरी, एक ऑर्थोपेडिस्ट ने उसकी नी इंजरी को ट्रीट किया। जो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें ऑर्थोपीडिया की डिस्कशन होता है उसे हम ऑर्थोपीडिक कहते हैं। समझ में आया ऑर्थोपीडिक कैसे बना टर्म, ऑर्थो मतलब हो गया स्ट्रेटन, पीडिस पैडोस मतलब मैंने बताया चाइल्ड, IST मतलब हो गया एक्सपर्ट, तो डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसमें करेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटीज के बारे में बात होती है स्केलेटन की। अगला टर्म इसी से बनता है ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिस्ट या ऑर्थोज। ऑर्थोडोंट्स का मतलब क्या होता है, अब देखो ओडेंटोज जो रूट वर्ड है वो है आपका ओडेंटोज, ओडेंटोज का मतलब हो जाता है आपका ओडेंटोज, ओडेंटोज का मतलब हो जाता है टूथ। ठीक है, मतलब दांत। तो ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थो मतलब आप सभी को पता है, ऑर्थो मतलब स्ट्रेटन, ऑर्थो मतलब जो स्ट्रेट करता है। ठीक, ओडोंटोस का मतलब क्या हुआ, टीथ, तो ऑर्थो ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब क्या हो गया, ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब हो गया अ डेंटिस्ट यानी कि दांतों का एक्सपर्ट जो स्पेशलाइज करता है इन द प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टीथ यानी कि जो दांतों को स्ट्रेटन करता है, सीधा करने का काम करता है। He is an assistant professor and orthodontist, dontics program director at UConn Health. ठीक है, तो orthodontic इसका adjective बन गया, तो orthodontist मतलब समझ गए जो आपके braces वगैरह लगाते हैं, जो आपके दांतों को सीधा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले word पर आ जाते हैं। अगला word हमारा होता है cardia, काफी important word है, इसको ध्यान से देखना। cardia, cardia मतलब क्या होता है, heart।
लोगोस मतलब हो जाता है साइंस, तो कार्डियोलॉजी मतलब क्या हो गया, अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स हर डिसीज, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, अ फिजिशियन एग्जामिन्ड हिम एंड सजेस्टेड रिफरल टू अ कार्डियोलॉजिस्ट बट ही एब्सोल्युटली रिफ्यूज, यानी कि इसके लिए उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब समझ गए, हार्ट के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जिसमें भी कार्डिया वर्ड आता है ना, उसका मीनिंग किससे रिलेटेड हो जाता है, आपका हार्ट से। ठीक है, चलिए अब देखो इससे टर्म क्या बना आपका, कार्डियक। कार्डियक मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड विद द हार्ट और हार्ट डिसीज, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगा तो उसे कार्डियक, जैसे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक हो जाता है। कार्डियोलॉजी क्या हो गया, द स्टडी ऑफ द हर्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीज, उसे क्या कह देंगे, कार्डियोलॉजी। ठीक, कार्डियोग्राम क्या हो जाता है, ग्राम मतलब हो जाता है आपका कार्डियोग्राम, तो ग्राम का मतलब हो गया आपका, कार्डियोग्राम का मतलब हो गया एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, ग्राम मतलब हो जाता है एक तरीके से जो मेजर कर रहा है, तो कार्डियोग्राम मतलब हो गया द कर्व और ट्रेसिंग मेड बाई अ कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या है, ग्राफ मतलब होता है टू राइट, कार्डियो मतलब हर्ट, मतलब हो गया एन इंस्ट्रूमेंट दैट ग्राफिकली रजिस्टर्स मूवमेंट्स ऑफ हर्ट, जो हर्ट के मूवमेंट्स को ग्राफिकली रजिस्टर करता है उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राफ, और कार्डियोग्राम हो गया द कर्व और ट्रेसिंग मेड बाई अ कार्डियोग्राफ। गॉट इट, समझ में आ गया। अगला टर्म हमारा आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व। ठीक, लोगोस का मतलब हुआ साइंस, ठीक है, न्यूरॉन का मतलब हुआ नर्व, लोगोस का मतलब हुआ साइंस, न्यूरोलॉजिस्ट। लॉजी मतलब हुआ साइंस, आईएसटी मतलब एक्सपर्ट, न्यूरो मतलब नर्व, तो अ मेडिकल स्पेशलिस्ट इन द नर्वस सिस्टम एंड द डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग इट। मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि नर्वस सिस्टम और उसमें होने वाले डिसऑर्डर्स को इफेक्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डेविड वॉज 6 ही विजिटेड अ न्यूरोलॉजिस्ट, जब डेविड 6 साल का था तो वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अगले टर्म पर आते हैं, न्यूरोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, मतलब आ गया नर्व से रिलेटेड। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। ठीक है, एडजेक्टिव आप देख सकते हो, न्यूरोलॉजिकल मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें न्यूरोलॉजी के बारे में स्टडी होती है। अगला टर्म हमारा क्या है, न्यूरॉन, नर्व। आइटिस मतलब मैंने बताया, जैसे डर्मेटाइटिस था, डर्मेटाइटिस मतलब क्या था, इन्फ्लेशन इन द डर्मा मतलब स्किन। एल्गोस मतलब हो गया पेन, आइटिस मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन, तो इससे टर्म आपका क्या बना, न्यूरालजिया। न्यूरालजिया मतलब क्या हो गया, अक्यूट स्पैजमोटिक पेन, अक्यूट स्पैजमोटिक पेन अलोंग द कोर्स ऑफ वन और मोर नर्व्स, यानी कि बहुत तेज पेन होना नर्व्स में, उसे हम क्या कहते हैं आपका, उसे कहते हैं न्यूरालजिया। स्पैजमोडिक क्या होता है, स्पैजमोडिक मतलब हो जाता है आपका हैपनिंग सडनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन हैपनिंग सडनली, अचानक से दर्द होने लगता है, हैपनिंग सडनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट नॉट रेगुलरली, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूरालजिया। Got it? तो न्यूरालजिया क्या हो गया, अक्यूट स्पैजमोडिक पेन अलोंग द कोर्स ऑफ वन और मोर नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरालजिया। अगला टर्म हो जाता है न्यूराइटिस। न्यूराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अ नर्व अकम्पनीड बाई पेन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ फंक्शन। तो आइटिस मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन, न्यूरो मतलब नर्व, तो इन्फ्लेमेशन नर्व में, जो नर्व मतलब आपके जो नर्व में इन्फ्लेमेशन होना अकम्पनीड बाई पेन एंड सम लॉस ऑफ फंक्शन, और कई बार फंक्शन करना भी बंद हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, न्यूराइटिस। ठीक है, चलिए अगले टर्म पर आते हैं, दैट इज ऑल्सो न्यूरोसिस। अब देखो ओसिस मतलब क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन, न्यूरोन मतलब हो गया नर्व, तो न्यूरोसिस मतलब क्या हो गया, अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन सफर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। मेंटल इलनेस दिमाग की बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोसिस। ठीक है, तो न्यूरोसिस क्या हो गया, एक मेंटल इलनेस दिमाग की बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति बहुत अधिक ज्यादा फील करने लगता है, डरने लगता है, बहुत चिंता करने लगता है, उसे कहते हैं न्यूरोसिस। और न्यूरोटिक क्या हो जाता है, न्यूरोटिक इज द कॉज्ड बाई और सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, जो व्यक्ति न्यूरोसिस से सफर कर रहा है उसे हम न्यूरोटिक कह सकते हैं। ठीक है,
अगला टर्म आता है आपका साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है? स्पिरिट, सोल या फिर माइंड। ठीक है, अब टर्म क्या आया? साइकोसिस। साइकोसिस मतलब क्या हुआ? अ सीरियस मेंटल इलनेस दैट मेक्स अ पर्सन लूज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। तो साइकोसिस आपका वो मेंटल इम्बैलेंस जिसमें कोई व्यक्ति रियलिटी में नहीं जीता, ठीक है, तो उसके कहते हैं साइकोटिक। ठीक है, साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस मतलब हो जाता है वह मेंटल इलनेस जिसमें कोई व्यक्ति रियलिटी में नहीं जीता, दैट इज कॉल्ड साइकोसिस। ठीक है, तो साइकोसिस क्या है? एक तरीके की बीमारी है जिसमें दैट मेक्स रियलिटी से आप नाता तोड़ देते हो, आप छूट जाता है। ठीक, दूसरा हो जाता है साइकोटिक। साइकोटिक हो जाता है मेंटली अनबैलेंस, जो मेंटली अनबैलेंस्ड है, जो आपका अलग उसे कहेंगे आपका साइकोटिक। और साइकेट्री बोलते हैं आपका ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड साइकेट्री। साइकेट्री मतलब मनोरोग विशेषज्ञ। ठीक है, मनोरोग जो आपके ट्रीट करते हैं उसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, द पेशेंट सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ साइकोसिस, यानी कि किसी मेंटल इलनेस से बीमार है। अब साइकेट्रिस्ट क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने बताया, IST अगर किसी में लगेगा तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। साइकेट्रिस्ट मतलब हो जाएगा अ मेडिकल डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स मेंटल इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, उसे कहते हैं साइकेट्रिस्ट। ठीक है, और IATRIA का मतलब हो जाता है मेडिकल हीलिंग। ठीक, तो साइकेट्रिक हो गया आपका। ही वेंट टू अ साइकेट्रिस्ट अबाउट हिज कंपल्सिव गैम्बलिंग। अगला टर्म आता है आपका ग्रास। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या होता है? ओल्ड एज। ठीक है, तो अब अगला टर्म आया गेरियाट्रिक्स। ठीक है, गेरियाट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ग्रास का मतलब हो जाता है आपका ओल्ड एज। ठीक है, इसका गेरियाट्रिक्स का मतलब ग्रास का मतलब हो गया ओल्ड एज। ठीक है, तो जेरियाट्रिक्स। ठीक है, ग्रास का मतलब हो गया ओल्ड एज, दिस इज जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स का मतलब हो जाता है आपका, जेरियाट्रिक्स का मतलब हो जाता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद डिसीजेज एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़े लोगों बुजुर्गों के इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड जो आपके बीमारियों का जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड जेरियाट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया द स्पेशलिस्ट इज अ जेरियाट्रिशियन। जो स्पेशलिस्ट है वो एक जेरियाट्रिशियन है। जेरियाट्रिशियन है मतलब ओल्ड एज, बूढ़े लोगों की समस्याओं से डील करता है। एग्जाम्पल हो गया आपका मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स आउट पेशेंट्स आर जेरियाट्रिक लिविंग ऑन फिक्स्ड इनकम। ज्यादातर क्लिनिक के पेशेंट्स आपके बूढ़े हैं एंड दे आर लिविंग ऑन फिक्स्ड इनकम। तो जेरियाट्रिक मतलब समझ गए द ब्रांच ऑफ मेडिसिन जिसमें बूढ़े लोगों से रिलेटेड बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। एक बारी सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट हो गया वह महिलाओं का डॉक्टर। ऑब्स्टेट्रिशियन हो गया वह व्यक्ति जो ऑब्स्टेटिक्स में आपका ट्रेंड है, यानी कि बच्चों की डिलीवरी कराता है। पीडियाट्रिशियन हो गया आपका बच्चों का डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन एक्सपर्ट स्किन डॉक्टर। ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया जो चश्मे नापता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया द वन हु इज द एक्सपर्ट इन डर्मा, यानी कि बीमारी स्किन डिसीज में एक्सपर्ट है। हाइपोडर्मिक हो गया आपका स्लेंडर हॉलो इंस्ट्रूमेंट विच इज पुट इन टू दैट आपका स्किन। एपिडर्मिस अपर आउटर मोस्ट लेयर। टैक्सीडर्मी जो स्टफिंग करता है स्किन ऑफ एनिमल्स में। पैकीडर्म हो गया मोटी स्किन ऑफ एनिमल। डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑन स्किन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया जो आंखों से रिलेटेड डॉक्टर है। ऑप्टोमेट्रिस्ट चश्मे नापता है। ऑप्टिशियन चश्मे बनाता है। ऑक्युलर हो गया जो देखा जा सकता है, मोनोकल एक आंख वाला चश्मा, बायनोकुलर दूरबीन को कहते हैं। पेडागोजी हो गया पढ़ाने की आर्ट। पेडिस्टल हो गया जो बॉटम पार्ट होता है किसी का। पीडियाट्रिशियन हो गया बच्चों का डॉक्टर। डेमेगॉग्स हो गया जो पॉलिटिकल लीडर, जो कि इमोशनल अपील के थ्रू लोगों का सपोर्ट जीतना चाहता है। पेडागॉग हो गया जो वह टीचर जो सोचता है ही टीचर्स बेटर देन अदर्स। ऑर्थोपेडिस्ट हो जाता है आपका जो वो व्यक्ति जो हड्डियों को सीधा करता है, उनके डिफॉर्मेशन में रिलेटेड ट्रीट करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट हो जाता है जो दांतों के सीधा करता है। कार्डियोलॉजिस्ट आपका हर्ट डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट आपके न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करता है। साइकोसिस मेंटली इम्बैलेंस्ड। साइकेट्रिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ। जेरियाट्रिक्स हो गया आपका बूढ़े लोगों का डॉक्टर। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। यहाँ से हमने आपका सेशन 6 कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम आगे के दो सेशंस को डिस्कस करेंगे। आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग किताब जरूर खरीद लो, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस, क्योंकि इसके साथ में जो एक्सरसाइज दी जा रही है वो भी आप लोग सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपके पास किताब होगी।
अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स के ऊपर, तो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग पढ़ लीजिए अपनी किताब से भी इसको एक बारी, और अगर कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है तो कमेंट करिए, और आगे के वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 8299117042, इससे आप मुझे पर्सनल डिस्काउंट के बारे में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, AMANT मेरा रेफरल कोड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।